हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड जो आज का वीडियो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है अगर आप कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। सो आपके माइंड में ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस थे कि कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए हमें हमारे हेयर कैसे होने चाहिए, हमारे नेल्स कैसे होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली हेयर के बारे में एंड नेल्स के बारे में, जो हमने कभी भी अपने वीडियोज में डिस्कस नहीं किया है। सो जब हम अब अपने बालों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या कैबिन क्रू बनने के लिए, अगर हमारे कलर्ड हेयर हैं या फिर हाइलाइटेड हेयर्स हैं, तो क्या हम कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, अप्लाई तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है अप्लाई करने में। आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, देन वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। बट आप हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी एयरलाइन के लिए जाएं तो आपके जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा नेचुरल एंड सिंपल होने चाहिए। देखिए, अगर आपके ग्रे हेयर हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं हीना वगैरह लगा सकते हैं, बट वो इतना ओड नहीं लगना चाहिए। राइट, इतना वो थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए कि एकदम से कुछ बाल आपके एकदम से रेड दिख रहे हैं, कुछ एकदम से ब्लैक दिख रहे हैं, कुछ एकदम से व्हाइट दिख रहे हैं। मेरी भी काफी सारे ग्रे हेयर हैं एंड जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मैं हीना अप्लाई करती थी, बट वो काफी नेचुरल लगता नहीं था कि ग्रे हेयर है। तो इसलिए अगर आप कलर करवाना चाहें तो आप डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर भी करवा सकते हैं, बट वो काफी नेचुरल लगना चाहिए। राइट, सो बट हाइलाइट्स वगैरह एंड ये जो कलर वगैरह करवाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एंड जितने ज्यादा आप सिंपल होंगे उतने ही ज्यादा आपको प्रेफरेंस मिलेगी, बिकॉज आप एयरलाइंस में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप हाइलाइट्स वगैरह नहीं करवा सकते हैं। बट एक बात आपको मैं और बताना चाहूंगी कि जब भी आप किसी भी एयरलाइन के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप प्लीज उनका एक बार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जरूर रीड करें, बिकॉज हर एयरलाइन का जो बालों का, नेल्स का, लिपस्टिक का, यूनिफॉर्म का, सारा जो क्राइटेरिया है वो एकदम से डिफरेंट होता है। तो हर एयरलाइन का जो हेयर का एंड नेल्स का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। सो मैं इंडिगो एयरलाइंस के साथ वर्क कर रही हूँ, तो इंडिगो एयरलाइंस में जब हम बालों की बात करें तो हम लोग बैंग्स भी रख सकते हैं, फ्रिंजेस भी रख सकते हैं, शॉर्ट हेयर हैं तो भी हम शॉर्ट हेयर भी रख सकते हैं। लाइक मैं इस टाइम पे फ्लाई कर रही हूँ एंड मेरी फ्रिंजेस भी हैं, सो फ्रिंजेस भी हम निकाल सकते हैं, बैंग्स भी हम निकाल सकते हैं। बट एक बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपकी लेयर कटिंग है, राइट, सो लाइक हमारे जो बाल हैं अगर आपके शॉर्ट हैं तो वो आपके जो शर्ट की कॉलर है वहां तक ही आपके आने चाहिए, उससे ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए। राइट, सो आप ज्यादा बड़े उनको नहीं रख सकते अगर आप अपने हेयर को खुला रखते हैं, ठीक है। बट अगर आपके इस लेंथ से बड़े बाल हैं तो आपको फिर उसका बन बनाना पड़ेगा, एंड बन बनाने के लिए अगर आपकी लेयर कटिंग है तो आपके बन में से सारे बाल निकल जाएंगे, तो वो बन बिल्कुल भी नीट नहीं दिखेगा। राइट, तो इंडिगो में सिर्फ हम लोग दो ही हेयर स्टाइल कर सकते हैं, ओपन हेयर है तो शॉर्ट होने चाहिए या फिर आप बन बना सकते हैं, तो हाईलाइट्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। इंडिगो के साथ जितनी भी अलग एयरलाइंस है, स्पाइस जेट, विस्तारा, इनमें भी हाइलाइट्स वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बट जैसे एयर एशिया की हम बात करें तो अगर आपके बाल लंबे भी हैं तो भी आप अपने बालों को खुला कर सकते हैं, स्ट्रेटनिंग वगैरह, स्मूथिंग वगैरह आपको कुछ करवानी पड़ेगी। सो इंडिगो में भी यही है कि अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो आपको स्मूथनिंग वगैरह, स्ट्रेटनिंग करवाने के लिए वो बोलेंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको एकदम अच्छे से अपने बालों को, अगर आपके बहुत ज्यादा कर्ली बाल हैं या फिर रफ रफ से बाल है तो आपको एकदम उनको अच्छे से चिपका के जाना है। चिपका के जाने का मीनिंग ये है कि जेल वेल आपको अच्छे से लगाना है, बाल वाल बिल्कुल भी निकले हुए नहीं होने चाहिए, एकदम नीट बन अगर आप बना के जा रहे हैं तो एकदम नीट बना के जाएं। एंड अगर आपके ओपन हेयर हैं तो वो बिल्कुल एकदम मैनेजेबल लगने चाहिए, स्मूथनिंग वगैरह करवा सकते हैं, कुछ भी घर पे हेयर स्पा वगैरह आप कर सकते हैं। राइट, सो ये हमने बात की बालों की, अब हम बात करते हैं नेल्स की। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप रेड नेल पेंट लगा सकते हैं अगर आप रेड लिपस्टिक लगा रहे हैं, बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि जितना लाइट लिपस्टिक लगाएंगे, इतना भी लाइट नहीं, बट मैं हमेशा लाइट ब्राउन प्रेफर करती हूँ, रेड में भी थोड़ा सा लाइटर शेड में प्रेफर करती हूँ। तो इस तरह से आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। एंड नेल्स की हम बात करें तो इंडिगो में हमारे जो दो तीन हमें नेल पेंट की शेड्स बताए गए हैं तो हम वही लगा सकते हैं। बट अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप सिल्वर कलर की, मतलब पर्ल वाइट कलर की नेल पेंट ही लगाएं, बिकॉज वो मतलब यही रेकमेंड करते हैं कैबिन क्रू बनने के बाद में। तो आप उनकी एयरलाइन में अप्लाई करने से पहले ही मतलब उनके नेल पेंट वगैरह का हेयर क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं तो शायद आपको कुछ प्रेफरेंस भी मिले। तो आपको एकदम सिंपल सा होके जाना है, ओवर मेकअप आपको नहीं करना है, ओवर आपको हेयर स्टाइलिंग भी नहीं करनी है, कुछ भी ओवर आपको नहीं करना है, सिंपल क्लोथ पहन के जाएं, स्कर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह पहन के जाएं, नेल्स पेंटेड होने चाहिए, बहुत ज्यादा लंबे हैं तो भी चलेगा बट ज्यादा लंबे भी नहीं होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाइजीन,
मतलब आपको अपनी हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना है, नेल्स वगैरह क्लीन होनी चाहिए, एंड अगर आपके कुछ स्कार्स वगैरह हैं स्कार्स वगैरह को अच्छे से हाइड करके जाएं। सबसे पहले आप जो ऑरेंज वाला कंसीलर आता है उससे आप करेक्टर से आप कंसील कर सकते हैं, देन उस पर करेक्टर लाइक कंसीलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको स्कार्स वगैरह सारे हाइड करके जाने हैं, आईब्रोज वगैरह थ्रेडिंग वगैरह मीन्स अगर जो फेशियल हेयर हैं आपको तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं, काफी सारे तरीके हैं रिमूव करने के। जेलेटिन फेस मास्क आप यूज कर सकते हैं, एंड स्किन के रेजर्स हैं वो फेस के रेजर्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना है, थ्रेडिंग वगैरह अच्छे से करनी है, एंड बालों को एकदम नीट आपको बन वगैरह बना के जाना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी डाउट्स रिगार्डिंग कैबिन क्रू इंटरव्यू यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।